अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। बाबा ने कहा, आप ब्राह्मण आत्माएं बहुत तकदीरवान हो, तो अपने से पूछो, यह तकदीर का सितारा सदा चमकता रहता है या कभी कभी घटनाओं रूपी घटा के बीच छिप भी जाता है? जैसे आकाश के सितारे स्थान बदली करते रहते, वैसे आपकी स्थिति भी बदल तो नहीं जाती? फिर बाबा ने श्रेष्ठ तकदीर बनाने वालों की निशानी बताई। बाबा ने कहा, तकदीरवान बच्चे हर संकल्प में, हर बोल और हर कर्म में फॉलो फादर करेंगे। उनके बोल में जितनी नम्रता और निर्माणता होगी, उतनी ही महानता भी होगी। एक तरफ अधिकारीपन का नशा और दूसरी तरफ सर्व के सत्कारी भी होंगे। फिर चाहे कोई उनके प्रति घृणा रखने वाली आत्मा हो या संस्कारों के टक्कर खाने वाली आत्मा हो, उनके प्रति भी वह सदा दाता और वरदाता बनकर रहेंगे। बाबा ने कहा, ऐसी आत्माओं को अपने प्रति ग्लानि के बोल और निंदा के बोल भी महिमा योग्य अनुभव होंगे। उनको ग्लानि भी ऐसी लगेगी जैसे गायन हो रहा है। बाबा ने कहा, ऐसे बाप समान बच्चे ही सदा विजयी अष्टरत्न बनते हैं, जो अपमान को स्वाभिमान में परिवर्तित कर दें या अपकार को उपकार में बदल दें और माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझें। किसी भी परिस्थिति में स्थिति नहीं बदलनी चाहिए, सदा एक रस बाप समान बनकर रहना है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।